हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करें। हमारे साथ में एक डिजिटल मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर को हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसके अंदर क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो इस टाइप के मल्टीमीटर का या किसी भी टाइप के मल्टीमीटर का आपको यूज करना बिल्कुल आसान हो। आज हमें लाइव प्रैक्टिकल टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा पूरा इस मल्टीमीटर का डिटेल। आपको लाइव टेस्ट करके देखें, पूरी वीडियो देखें, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इलेक्ट्रिक से रिलेटिव नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट कर लें। हमारे साथ में एक मल्टीमीटर है, न्यू मल्टीमीटर है। इसके अंदर हम लोग फर्स्ट ओपन करके देखें कि इसके अंदर क्या क्या सामान देता है, कंपनी की तरफ से क्या क्या हमको मिलता है, ताकि हम लोग किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमको आसानी हो सके। फर्स्ट हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी कंपनी दिया है इस मीटर को, मीटर के साथ में। ये हमारे हाथ में कैटलॉग है, इस कैटलॉग के माध्यम से हम लोग पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है। फिर भी मैं आपको आज लाइव प्रैक्टिकल टेस्ट करके पूरा दिखाऊँगा कि इस मीटर के थ्रू हम लोग क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। पूरा डिटेल आपके वीडियो में मिलेगा, आप देखते रहें इस पूरी वीडियो, फिर आपको पूरा लाइव टेस्ट करके मैं दिखाऊँगा वोल्टेज मिले, फिर पूरा डिटेल जो भी इस मीटर के अंदर फंक्शन है पूरा आपको टेस्ट करके दिखाऊँगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं सेफली, प्रोडक्शन कैसे यूज करते हैं, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ये कैटलॉग है, कैटलॉग में आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आप लोग कैसे टेस्ट करने का पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसके अंदर वायर दिया हुआ है, हमारा कोड है, ये हम लोग यूज करके हम लोग वोल्टेज एम्पियर जो भी चीज़ है, मिली एम्पियर, मिली वोल्ट, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, पूरा डिटेल हम लोग चेक कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको टेस्ट करके पूरा लाइव दिखाऊँगा, आप देखते रहें। फर्स्ट में इसको ओपन करके दिखाया आपको कि थोड़ा बेसिक मालूम हो सके। फर्स्ट हम लोग इसको ऑफ मोड में डाल देंगे, मैंने ऑफ कर दिया इसको। हम लोग कॉमन का पॉइंट फर्स्ट डाल देंगे, जो ब्लैक कलर का वायर है कॉमन का हम लोग डाल दिए। और इसके अंदर जो फर्स्ट हम लोग ऑफ करके डाला, अभी हम लोग वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज चेक करना है तो इसके अंदर हम रेड वाला डाल देंगे। एसी वोल्टेज चेक करना है, डीसी वोल्टेज चेक करना है, मिली वोल्टेज चेक करना है, रेजिस्टेंस चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर इतना चेक करना है तो आपको ये रेड वाला इधर ही रहने देने का। अगर आप मिली एम्पियर चेक करना है तो कोड चेंज करना चाहिए आपको। फर्स्ट हम लोग इसको ऑफ कर देंगे। अगर आपको मिली एम्पियर चेक करना है, मिली एम्प चेक करना है तो इसको सिलेक्शन, फर्स्ट हम लोग सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करके हम मिली एम्प में, देखिए मैंने मिली एम्प में सिलेक्शन कर दिया, बाद में हम लोग कोड डालेंगे। फर्स्ट हम लोग सिलेक्शन करना चाहिए, बाद में कोड डालने तो रॉन्ग फॉल्ट शो होगा, फिर आपको मीटर ख़राब होने का चांस ज़्यादा है। मिली एम्प में मेगा एम्प्स हो गया, देखिए रॉन्ग सिलेक्शन होगा तो साउंड आएगा, ऑटोमेटिक साउंड आपके डिस्प्ले पर आएगा। अभी हम मिली एम्प चेक करें तो हम लोग मिली एम्प के थ्रू एसी, हम लोग एम्पियर चेक करेंगे तो एसी एम्पियर और डीसी एम्पियर, इसके ई कोड के थ्रू लास्ट वाले जो बाएं साइड में है उसके थ्रू कर सकते हैं। अभी मैं लाइव टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे, एसी वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। ये दोनों कोड कॉमन और रेड वाले, इधर स्क्रूप को हम लोग इसके थ्रू बाहर और अंदर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अगर टेस्ट करना है तो। फर्स्ट हम लोग एसी वोल्टेज चेक करें। हमारे साथ में थ्री फेज सप्लाई है, उसके अंदर हम लोग चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं 395 वोल्ट दिख रहा है एसी, ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं, निकाल दिया। अभी हम लोग डीसी वोल्टेज चेक करके, डीसी वोल्टेज हम लोग इसको डीसी में सिलेक्शन कर लेंगे, डीसी में सिलेक्शन, डीसी वोल्ट में सिलेक्शन हो गया। हमारे साथ में एक बैटरी है, 9 वोल्ट का बैटरी है तो 9.75 वोल्ट शो कर रहा है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे। डीसी वोल्ट में सिलेक्शन किया, एक कोड हम लोग इधर डाल दिया, कॉमन में एक रेड में, आप सिंबल भी दिख रहा है इधर वोल्टेज का, रेजिस्टेंस का। देखिए ये हमारा डीसी वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं, लाइव टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा मिली वोल्ट है, मिली वोल्ट हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं इसी कोड के माध्यम से। आप देख सकते हैं हम लोग कोड, हम लोग वायर कहाँ पे डाले हैं और सिलेक्शन कहाँ पे कर रहे हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको बराबर ध्यान से देखिए। इसके बाद ही आप लोग अच्छी तरह सेफली टेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। इस मल्टीमीटर के थ्रू हम लोग ये हमारा कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, अपने बॉडी का रेजिस्टेंस मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे दोनों टच कर रहा हूँ आपस में तो हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस शो कर रहा है डिस्प्ले पे, ऐसा हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी कंटिन्यूटी चेक कर रहा है, अभी किसी भी चीज़ का कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम लोग साउंड मोड में डाल दे रहे हैं। साउंड देखिए यार, साउंड आ रहा है आपको, ठीक है, ऐसा साउंड आएगा आपको। इसके अंदर इस कोड का काम हो गया दोनों का, अभी हम लोग रेड वाला कोड को निकाल देंगे। अभी हमको मिली एम्पियर चेक करना है तो मिली एम्पियर में हम लोग ये कोड डालेंगे। कोड डालेंगे फर्स्ट तो हम लोग रॉन्ग शो करेगा क्योंकि हमारा सिलेक्शन गलत है, सिलेक्शन के लिए हमें फर्स्ट मिली एम्प्स में सिलेक्शन करना चाहिए, बाद में हमारा
ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। अभी हम मिलियम्स चेक करेंगे, हमारे साथ में एक बी एफ डी है, बी एफ डी का हम लोग फीडबैक हमारा मिलियम्स है, तो मिलियम्स हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं। 3.964 मिलियम्स है, ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं मिलियम्स है, उगाम्स है, तो इसके लिए भी हम चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे जो हमारे साथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है चेक करने के लिए। अभी हम लोग मिलियम्स चेक हो गया, अभी हम लोग डायरेक्ट एम्पियर चेक करेंगे, ए सी एम्पियर और डी सी एम्पियर है जो लास्ट का इसमें डाल देंगे। अभी हम लोग एम्पियर चेक करना है, तो अगर हमारे घर में लोड कितना है, फैक्ट्री में लोड कितना है, तो कितने एम्पियर का लोड ले रहा है, तो हम लोग एम्पियर इसके थ्रू चेक कर सकते हैं, ए सी एम्पियर डी सी एम्पियर दोनों दोनों टाइप का। ये कॉमन उसमें ही छोड़ देंगे, कॉमन को आप किधर भी चेंज नहीं करेंगे वायर को। ये वोल्टेज है तो ये रॉन्ग शो करेगा। अभी फर्स्ट हम लोग सिलेक्शन इसके लिए सही करना चाहिए, तो हमने ये दो बार दबाएंगे, देखिए एसी वोल्ट डीसी वोल्ट जो भी चेक करना है आप इसके थ्रू येलो कलर का बटन को दबा के आप चेंज करके। अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लाना, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।